आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मधुबन होटल गोड्डा और ये मेरा फाइनल लुक है, तैयार होने का बाद का लुक है। जाते जाते हम लोग का बहुत लेट हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और जाने के बाद हमको जस्ट तैयार होना था क्योंकि बारात आने वाला था। तो फिर हम जल्दी से, हमको एक रूम मिला, रूम में जाने के बाद हम जल्दी से स्नान किए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और डस्ट से आए हुए थे। मन फ्रेश नहीं लग रहा था और यकीन मानिए नहाने के बाद इतना फ्रेश लगने लगा मन, और बिल्कुल चेहरा भी खिल गया था, सूज गया था पूरा चेहरा मेरा इतना दूर से आते हुए हवा के कारण। और फिर इधर हम तैयार होकर इधर बाहर निकले तो इधर कुछ देख रहे हैं खाने का, मतलब जो भी है खाना वो सब रखा हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है। और इधर हम कुछ देख रहे थे, मतलब सामान सब क्या क्या है, चारों पट्टी घूम रहे थे कभी कुछ कुछ, मतलब अभी जस्ट हम तैयार होकर बाहर निकले हैं तो व्यवस्था काफ़ी अच्छा था। और इधर देख सकते हैं कि हम बाहर आए हैं बाहर में, क्योंकि वो जो दुकान सब लगता है ना, मतलब कुछ कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, तो फिर उधर गए हम लोग। हम और मेरी बेटी, यानी कि मेरी गोदनी की बेटी है, ये दोनों मिलके हम लोग कुछ कुछ खाएं, जैसे कि समोसे, चाट और चाउमीन भी था, कुछ कुछ था तो मंचूरियन था, ये सब कुछ कुछ खाएं। और ये मेरा लुक है, ऐसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी हम लोग खा के कुछ एक दो क्लिप ले रहे थे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए, इसके बाद उसको छोड़ के हम इधर आ रहे थे ऊपर, क्योंकि बाहर में इतना तेज़ गर्मी था और सारा चीज़ गर्मा गर्म था। खाने के बाद तीखा तीखा तो इतना तेज़ था ना, खाने के बाद पूरा जीभ जलन दे रहा था, इसलिए हम आके भीतर रूम में थोड़ा इधर बैठे और फिर बाहर गए। बाहर जाने के बाद हम एक दो अपने से क्लिप लिए फ़ोटो का, क्योंकि हम किसी को दे नहीं सकते थे मोबाइल इस वजह से। और हस्बैंड जी गए हैं अभी घूमने के लिए, बराती जस्ट अभी मतलब आ चुका था कब का और अभी गया है घूमने के लिए, तब तक हम इधर का कुछ कुछ क्लिप ले लेते हैं, जैसे कि मंडप का, वरमाला का। हम ना मतलब पूरा ढूंढ लिए थे बट मिल नहीं रहा था कि मंडप किधर है, हम सोचे छत में या फिर आंगन में होगा, बट दोनों जगह नहीं था। लेकिन वो कोई बोला नीचे भी रूम है, नीचे जाके देखिए, वहाँ पे वरमाला का स्टेज सजा हुआ है और फिर मंडप भी है। और ये जो देख सकते हैं हमको बहुत सुंदर लग रहा था, ये वाला साइकिल एक मतलब क्लिप है शायद, फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए, एक शो के लिए रख दिया है। और हमको लगाना यहीं पे होगा वरमाला, बट यहाँ पे नहीं हुआ था, इस साइड हुआ था। ये हल्दी या मेहंदी के लिए कुछ के लिए डेकोरेशन है, लेकिन ये लड़की का जो लॉज है ना आज के लिए बुक था, यानी वेडिंग के लिए बुक था। और ये ना काफ़ी ज़्यादा ना अभी मतलब ट्रेंड में है, ये वाला जो अभी वाल डेकोरेशन जो देख रहे हैं, तो वही हम छू के दिखे कहीं ये सच में ये टीना या फिर स्टील का बना हुआ नहीं ना है। और ये लॉज में ना चारों पट्टी लगा हुआ है, देख सकते हैं, तो इसलिए हम छू के देखे तो ये मतलब ये का है, टीना का है शायद, उस टाइप का लगा। और ये है मतलब मंडप। और आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो में सिर्फ हम अकेले ही वीडियो क्लिक किए हैं ताकि किसी को पता ना चले ब्लॉगिंग वगैरह के लिए। और जब ब्लॉगिंग होगा तब देखा जाएगा, मतलब कोई देखेगा तो देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल हम अकेले ही आके इधर हम क्लिप सब ले रहे थे। और
आज हम येलो साड़ी वेयर किए हैं बहुत दिनों के बाद, और काफ़ी हेवी साड़ी है इस वजह से वेयर हम नहीं कर पाते हैं, और आज सोचे एक दो घंटे के लिए वेयर कर ले। तो ये थे, इसके बाद हम ढूंढते ढूंढते आ गए, और सारे लोग ना यही क्वेश्चन कर रहे थे खाना खाएं खाना खा लीजिए, क्योंकि 10:30 बज रहा था और हम सबको बोल रहे थे नहीं अभी नहीं खाए हैं। और ये है, यहाँ पे होगा बरमाला, तो यहाँ का हम डेकोरेशन देखने आ गए थे, डेकोरेशन भी अच्छा ही था, और इधर मतलब सारा चेयर वगैरह लगा हुआ था। देख के फिर हम चलने लगे ऊपर की ओर, और ऊपर जाने के बाद फिर हम सोचते थे कुछ खाना होगा तो खाएंगे, लेकिन तभी ही पता चलता है कि अभी तक नहीं आए हैं। हम सोचे एक साथ खाते हम लोग दोनों, बट अभी तक नहीं आए। बाद में हम थक गए और 11:30 हम नहीं, ये दूसरों का प्लेट है। इसके बाद 11:30 या मतलब 12 बजे में कुछ मिनट कम था तब आए हम, तो प्लेट अपना ले लिए थे बट हम खाना शुरू नहीं किए थे तब आए, और बोलते हैं कि खाएंगे। यहाँ पे ना हम लोग दूसरे को कमेंट करके हंस रहे थे कि कुछ और यहाँ ही खाया जाए, इनको भूख लगा हुआ था क्योंकि बाहर का कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं किए थे, और हम है कि सारा चीज़ खा के पेट भर लिए थे, ये सब हमको अच्छा ही नहीं लग रहा था। सच में मतलब खाना टेस्टी था, मतलब पेट भरा हुआ रहने के बाद ना सारे चीज़ में नखरे होते हैं, और ये दही वाला है फर्स्ट बार जब लिए थे ना काफ़ी टेस्टी लग रहा था, और इस बार ना कुछ ज़्यादा मतलब मिक्स करके दिया, तभी एक ही उठा के दिया, इस बार मिक्स करके दिया ना उतना टेस्टी नहीं लग रहा था, लेकिन जो भी था खाना में स्वाद था। और ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, उधर देख सकते हैं हस्बैंड जी भूखे हैं, मतलब कुछ खाए नहीं है, तो वो अच्छा से अपना थाली खा रहे हैं और बोल रहे हैं हमको तो सब चीज़ अच्छा लग रहा है। इसके बाद इधर होती है ग्रैंड एंट्री दुल्हन का, और हम लोग मतलब खाना वगैरह खा के आ गए नीचे, क्योंकि सीट फुल हो गया था तभी हम आए थे देखने के लिए ना, सभी लोग आगे सीट सब में बैठे हुए थे, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे ना कि सीट फुल हो जाएगा इस वजह से आगे से ही सीट रिजर्व कर लो। तो हम बोले अच्छा खाना खा के आते हैं फिर, और खाना खा के जस्ट आए और दुल्हन का एंट्री भी होना शुरू हो गया, तो यहाँ अब वरमाला होगा, तो अभी दुल्हन आई है इसके बाद फिर से वरमाला होगा। और यहाँ काफ़ी देर मतलब कैमरा वाला जो थे ना काफ़ी देर तक ना यहाँ पे रुके हुए थे, मतलब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और मतलब बहुत देर रुके हम, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग था बट कट कर करके डाले हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है कि ब्लॉग में। और फिर अब यहाँ पे चल रही है दुल्हन स्टेज की ओर, और ये क्या है ना मतलब कि हम गए हैं लड़की की ओर से, लेकिन ये जितना भी लड़का लड़के की तरफ से बराती आया हुआ है सभी मतलब हमारे रिलेटिव ही हैं, सिर्फ दूल्हा दूल्हे लोग छोड़ के जितना भी बराती मतलब आए हुए हैं सभी, तो ये है ना कि रिलेटिव तो हैं ही, और साथ ही मायका और ससुराल दोनों तरफ से अपना ही है। तो ये जो हम तो बराती की तरफ से नहीं गए थे, ये तो हम लड़की की तरफ से गए थे, लेकिन लड़का वाला भी सारा मेरा जाना पहचाना हुआ था, तो सबसे बात उत करके अच्छा लगा। और यहाँ लड़की अब चढ़ेगी स्टेज में, लड़की लेने आए हैं जो भी है, और अभी मतलब एक जगह बात करते हैं फिर दूसरा जगह, तो अपना जान परिचय वाला जगह से बराती आता है ना तो कुछ अच्छा लगता है, और मतलब कुछ भी। तो अभी चगेगी ऊपर, और फिर मतलब लड़की का गाउन जो था ना नीचे का लहंगा का गाउन काफ़ी ज़्यादा हेवी केनकेन था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी, और लड़की उतनी हेल्दी है नहीं, बहुत पतली है, जिस वजह से ना वो मतलब हमको तो जब वो गाउन खोली ना तब हम उठाए ना इतना हेवी था ना, हम तो सोच के ही परेशान हो रहे थे कि कैसे रखी उतना देर, और भी चलना भी पड़ता था उसको अपने से तो करना पड़ता है, दुल्हन उतना हेवी लहंगा मतलब बहुत हेवी था लहंगा। खैर कोई नहीं, अभी वरमाला होगा, आप लोग वरमाला देखिए और इन्जॉय कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखने में। बट क्या हुआ ना आगे में आके ना मतलब कैमरा वाला तो परेशान करता है, वो क्लिप ले रहा है, बात दूसरा ये जो बच्चे लोग आके आगे से फ़ोटो लेते हैं ना वो हमको गुस्सा लगता है, देख सकते हैं मतलब हम लोग क्लिप ही नहीं लेने देते, तब हम जाके उनको टान के बोले इधर हटिए आप, फ़ोटो ही नहीं आता, क्लिप एक भी मतलब सही से क्लिप ही देख सकते हैं, मतलब घेरा जा रहा है और फ़ोटो ही नहीं आ रहा था, एक तो मेरा कैमरा अच्छा नहीं है और दूसरा तो आ भी रहा है तो अच्छा से नहीं आ रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब देखने मिलता ही नहीं है,
आगे से ही चारों पट्टी घेरा हुआ, तो क्या उठ के आगे जाने में ख़राब लगता है क्योंकि पीछे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जो कि हम नहीं दिखाए, बहुत ज़्यादा भीड़ था, पूरा सीट भरा हुआ था, और इस वजह से हम नहीं, मतलब पीछे क्या, और ये बरमाला का वीडियो था तो सब कोई बनाता है तो हम भी बनाए, तो इतना किसी को मतलब शायद मेरे हिसाब से नहीं समझ में आया होगा। और एक दो तो शॉट हम डाल भी दिए हैं, पता नहीं मतलब वायरल हुआ है कि नहीं हुआ, वायरल नहीं होगा, मतलब 1000K तक जाएगा और कुछ नहीं, 1000K सॉरी 1K तक जाएगा, 2K तक जाएगा और कुछ नहीं। और ये फाइनल वरमाला हो रहा है, और लड़की का ना रिंग सेरेमनी नहीं हुआ था, तो यहाँ पे रिंग सेरेमनी भी हो रहा है, लड़का लड़की का दोनों का, मतलब एंगेजमेंट छेका कुछ भी बोला जाता है, तो नहीं हुआ था तो यही हो रहा है अभी। और इसके बाद फिर होगा वरमाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे थे, इसमें देखना चाहिए था, मतलब आगे से ही सब कुछ घेर रहा था, और ये तो कैमरा तो आगे हाथ में ले जाके आगे किए हैं तो दिख रहा है, लेकिन मेरा चेहरा से सच में नहीं दिख रहा था कुछ भी। और ये सब कुछ मतलब बच्चे लोग ज़्यादा परेशान कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग आगे आगे हो रहे थे, और जो उधर से है तो है ही, तो हमको उतना भी ये नहीं लग रहा था कि आगे जाएंगे। और यहाँ पे रिंग सेरेमनी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दोनों का जोड़ी काफ़ी अच्छा है। और फिर ना इस वीडियो में सिर्फ हम वेडिंग का ही सब चीज़ डालें, जैसे कि मतलब लड़की का बरमाला हो गया, फेरा हो गया, और कन्यादान, इंगेजमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं विदाई और तिलक, गुरत्थी, हम लोग में गुरत्थी होता है, तो ये सब सारे हम मिक्स नहीं मतलब एक एक करके मैनेज करके सब चीज़ डाले हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया हमको, नहीं तो सब चीज़ समय मतलब समय में हो जाता तो अच्छा लगता, तो कुछ ज़्यादा ही समय लग गया हमको सब चीज़ मैनेज करने में। और इसके अलावा फिर तो पढ़ाई भी है, इस वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए इसमें, तो 3 दिन लग गया, और फिर आना जाना उसमें भी है, और जो पहले हम वीडियो डाले थे वो भी अनलिस्टेड पड़ा हुआ था, तो उसको भी हम ठीक किए, इसी वजह से वीडियो सही सलामत से नहीं डलाया मेरा, आगे पीछे हो गया है, खैर कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। और फिर इधर हो रहा है दुल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट, अब तो सारी फैमिली मतलब जो भी है फैमिली का सभी लोग जाके फ़ोटोशूट करेंगे, मेरा कैमरा कुछ ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था, अच्छा नहीं आ रहा था इस वजह से, लेकिन फिर भी हम क्लिप तो सारे लिए हैं। अब इधर चल रहा है लड़की का तिलक, देख सकते हैं सारे जो बर्तन होते हैं या फिर कपड़े और लड़का का जो भी है सिंगार वगैरह सब सारा चीज़ चग रहा है, और मतलब इधर है ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब, लड्डू मिठाई सारा चीज़ मतलब लड़का का चढ़ रहा है, तो थोड़ा सा के लिए तिलक का भी ले लिए, इसके बाद लड़के उठेंगे और फिर लड़की का तिलक होगा, तो अब हो ही चुका है शायद फाइनल तिलक। तो हम ना रात भर जग चुके थे, लेकिन जब सिंदूरदान हुआ ना तभी ही वहाँ से हम हट गए, मतलब हट गए नहीं, नींद काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, नींद भी नहीं मतलब बोल सकते हैं ना, भीड़ बहुत ज़्यादा था और आँख भी ये नींद टाइप का लग रहा था, चाय मिला लेकिन चाय ना हमको कुछ मतलब ये नहीं लगा, ये क्या मतलब जला हुआ शायद कुछ भी, खैर रहने देते हैं। तो चाय हम जैसे ही मुंह में भरे ना मतलब उल्टी टाइप का होने लगा था, इस वजह से हम फेंक दिए, चाय नहीं पिए, चाय पी लेते तो फिर मन फ्रेश हो जाता और नींदने लगता, नींद लगने लगा था, इस वजह से सिंदूरदान का ही फ़ोटो हम सिर्फ नहीं ले पाए, नहीं तो सारा चीज़ का लिए हैं। और इधर हो रहा है लड़की का तिलक, लड़की का भी तिलक नहीं हुआ है ना, लड़के का हुआ था, तो इधर लड़की का तिलक करने बैठ गई है, अब लड़की का भी तिलक होगा, ये सब सारे लड़की वाला चगाई है चगाए हैं लड़के वाला को, अब लड़की वाला चगाएंगे लड़की के लिए, तो लड़की का तिलक करना मतलब कुछ के नहीं होता है, एक साड़ी या दो साड़ी देकर और सिंगार का सामान और जो भी है अपना मतलब फल, 5 किस्म का फल देकर मतलब हो जाता है, अब अपना अपना डिपेंड करता है तिलक कैसे होता है, मतलब जो किसी तरह, तो यहाँ पे हम देखें ना कि उतना ये नहीं मतलब साड़ी वगैरह नहीं था, 5 फल देकर और तिलक हो गया था, तो सबका अपना अपना होता है। और ये जो माला पहनी है ना लड़की माथे में रेड कलर का, वो अभी 1.25 महीना तक पहनेगी, वो हमारे यहाँ का नियम है। और ये भसुर जो होता है यानी जेठ, लड़की का जेठ, अपना जेठ नहीं अदर मतलब और रिलेटिव का जेठ, मतलब रिलेटिव में जेठ होना चाहिए, लड़का का बड़े भाई होना चाहिए, तो
तो फिर वो कर सकता है। तो वही आकर और किया। तो अभी साड़ी वगैरह निकल रहा है, जो जो साड़ी जो चीज़ में चढ़ेगा वही सब निकल रहा है। तो लड़की तरफ से 5 साड़ी और जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो अभी ही चढ़ेगा। तिलक हो जाता है, इसके बाद जस्ट हम लोग गुरत्थी भी कर देते हैं। मतलब हम लोग क्या गुरत्थी होता है, जो कि लड़की के बड़े भाई जैसे हम बताएं वही मतलब करते हैं। तो अभी गुरत्थी होने लगा जस्ट यहाँ पे। मतलब इस तरह देखिए, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग थोड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब तुरंत तिलक के ही तुरंत साथ में ही गुरत्थी होने लगा। तो ये अभी जो चग रहा है ना, तो ये 4 साड़ी चगा और 1 लहंगा चगा, यानी 5 कपड़े चढ़ता है ये लड़की तरफ से। तो 4 साड़ी चगा है और 1 लहंगा चगा है, और जो भी ज्वेलरी है वो आप लोग को दिखा देंगे। और ऐसे ना हम ज्वेलरी का फ़ोटो लेना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो मतलब उस साइड करके दे रहा था ताकि वीडियो में आए, मतलब जो भी है वो कैमरे वाला का वीडियो में आ जाए। तो इस वजह से हम पूरा फोर्स कर रहे थे, मतलब आगे खींच रहे थे, लेकिन आया ही नहीं कुछ भी। लेकिन आप लोग जब लड़की पहनेगी ना तभी देख लीजिएगा, अच्छा ही ज्वेलरी चगा हुआ है, सभी चीज़ अच्छे हैं। और हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि इधर घुमाएंगे, बट घुमाए नहीं। और यहाँ ना 2 पंडित जी बैठे हुए हैं, एक हमारे यहाँ का वहाँ का पंडित जी है और एक यहाँ गोड्डा का पंडित जी है। तो हमारे यहाँ का पंडित जी तो है ही आगे सब चीज़ में, तो अच्छा लगता है। मतलब ये कहीं भी शादी उदी में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब कुछ कुछ ज्वेलरी चढ़ा हुआ है। और फिर ना मतलब इसके बाद फिर अब शादी होगा, मतलब शादी नहीं, अभी शादी नहीं होगा, मतलब सिंदूरदान ही शादी कहा जाता है ना। इसके बाद कन्यादान होगा, इसके बाद फेरे होंगे, और कुछ कुछ नियम है करने का जो कि हम देख ही लेते तो शायद अच्छा करते, नहीं देख के हम पछता रहे हैं। और ये पायल है, ये चूड़ा है, अभी लड़की के लिए चगा हुआ है। और इसके बाद इसमें कुछ कुछ मतलब 5 लेडी जाके चुमावन करेगी, चुमाने का जो विधि होता है तो वो करके, और फिर लड़की को उठा लिया जाएगा। और ये सिंगार का सामान है लड़की का, सब शादी में चढ़ रहा है, और फिर चुमावन करके और उठा देगी। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब हमको तो शादी, हम लड़की का ना पहले कभी नहीं देखे थे, यानी कि जो भी देखे थे अपना देखे थे, और सेकेंड टाइम में अपनी भाभी का देखे थे फुल शादी। मतलब भैया का शादी में बैठ के अटेंड करवाए थे सारा शादी, और तीसरा शादी जो है आधा अधूरा बोल सकते हैं या पूरा बोल सकते हैं, इसी का देखे हैं। तो इस वजह से हमको उतना आइडिया नहीं है क्या होता, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। और उधर से जब लाइट मारता है ना कैमरा में, तो इधर का कैमरा ब्लैक हो जाता है, उधर का लाइट करने लगता है, तो देख सकते हैं इस टाइप से कुछ होता है। उस साइड बैठते तो शायद और अच्छा आता, लेकिन इस साइड बैठे हैं ना तो इस वजह से। और हम कैसे बैठे हैं, 2 व्यक्ति के बीच में घुस के बैठे हैं ताकि मेरा हम जो पहने हैं ना सूट वो नहीं नज़र आए सामने, तो इसीलिए। और अभी यही सब हो के और उठ जाएगी लड़की, मतलब चुमावन करके उठ जाएगी, और इसके बाद फिर से सारे ज्वेलरी पहन के अपना साड़ी वगैरह चेंज करके और फिर आएगी। इसके बाद होगा कन्यादान, और अभी मतलब चेंज हो जाएगा सारा कपड़ा, और अभी चुमावन हो रहा है, 5 लेडी जाके चुमाएगी। तो अभी ऊपर जाके, मतलब ऊपर क्या, मतलब अपना रूम में जाके चेंज करके आई लड़की, अब हो रहा है कन्यादान। कन्यादान में मतलब क्या होता है ना, लड़की के पिता, लड़की की माता बैठती है, और आगे में लड़की को बैठा जाता है, और लड़के का हाथ का ऊपर लड़की का हाथ धर के, और फिर उनके पापा उनके हाथ में हाथ धरते हैं, और सबसे नीचे रहता है लड़के का हाथ, फिर लड़की का हाथ, और फिर मतलब लड़की के हाथ में लड़के का हाथ पकड़ा रहेगा, मतलब एक ऊपर एक उसके ऊपर शंख रहता है। और ये मतलब बोला जाता है ना सबसे नीचे, जैसे कि उनके पापा का हाथ रहेगा, तो उनके पापा ये उनको बोल रहे हैं कि हाथ में हाथ धर के हमसे बोलिए कि आप मेरी बेटी को रखिएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से शायद होता है।
तो सबसे मतलब दे रहे हैं अपनी बेटी को, उनके हवाले कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कन्यादान है। तो हाथ में हाथ धर के दिया जाता है। तो ये इस तरह से लड़की का जो भाई होता है ना, वो इस तरह से पानी मतलब गिराता है, एक मतलब कलसा नहीं लोटा है पीतल का, उसी से पानी गिराएगा। और ये है ज्वेलरी वाला टोटल लुक लड़की का, जो हम एक दे दिए आप लोगों को। ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाए हैं, बनाए तो हैं बट नहीं डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, इस वजह से सोच रहे थे कटअप कर करके डाल देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ा वीडियो को, इस वजह से लेट हो गया। और एडिट तो कुछ भी नहीं किए हैं, नॉर्मल जिस तरह से है उसी तरह, फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाए थे। और मेरे कैमरा शायद मतलब कुछ ख़राबी है, ख़राबी नहीं मतलब अच्छा फ़ोटो ही नहीं आ रहा था, ब्लैक ब्लैक हो रहा था। और इधर अब फेरा होगा तो ये जो लावा है ना वो मिक्स होगा, पहले लड़के की तरफ से जो लावा आता है और लड़की के इधर से लावा, दोनों मिक्स होता है, और फिर वही सूप में लड़की के भाई डालेगा। और इधर जो लड़की के भाई के लिए जो लावा घुमाता है ना, मतलब लावा डालता है, उसके लिए कपड़ा आता है, मिक्स करता है, तभी मिक्स हो गया है। और इसके बाद फिर अब वो मतलब वो गोल जैसा जो था उससे अब लड़की के ऊपर रखे वही लावा डालेगा, और फिर लड़की और लड़के दोनों इस तरह से फटक के और दोनों तरफ से घूमेंगे, इसको फटकना ही शायद बोलते हैं, तो सात बार राउंड मारेंगे, फेरे लेंगे। और इसमें कुछ कुछ वचन जो होता है पंडित जी पढ़ते हैं, तो वही पढ़ रहे थे और ये लोग घूम रहे थे, सात बार घूमेंगे। तो हम सात बार एक दो बार लिए हैं और फिर ज़्यादा नहीं लिए हैं, जितना भी लिए हैं तो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी ही लगती होगी, मतलब नॉर्मल सा जैसे मेरा कैमरा में आया है ना उसी प्रकार से हम डाल रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा फिल्टर वगैरह लगा देते तो सर अच्छा लगता, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास ज़्यादा जल्दी से हम करके डाले, क्योंकि फिर डालने का समय ही नहीं था मेरे पास, फिर उधर भी तो तैयारी स्टार्ट करना है हमको, क्योंकि एस्टेट का डेट आ गया है। और अभी फेरे होगा, इसके बाद सोचे थे कि सिंदूरदान तक देख ले, लेकिन अभी ही बज गया था चार, और अभी तक मतलब थोड़ा देर सोना जरूरी था, नहीं तो हमको सुबह निकलना था, इस वजह से तो हम जाके ना थोड़ा देर आराम करने लगे। और अभी ये रहा, मतलब आराम करने के बाद जब उठे तब विदाई हो रही थी लड़की, और विदा होके मतलब अब जा ही रही थी, तो हम विदाई का भी थोड़ा सा क्लिप ले लिए। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि हम मतलब वहाँ पे ना फ़ोटो शूट काफ़ी देर से चल रहा था, हो ही नहीं रहा था, तो फिर हम छोड़ दिए। और इधर देख सकते हैं आगे तरफ से भी फ़ोटो शूट हो रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा था, मतलब कुछ परेशान वगैरह हो रहा था इसीलिए। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसी लगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से विदा, और लड़की भी अब विदा ले रही है। तो ये पार्ट आप लोग देख लीजिए, इसके बाद फिर लड़की का विदाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अभी ना पैर धोया जाता है, पानी पियाया जाता है, तो ये सब सारा चीज़ होगा। अभी पानी पिया के और फिर पैर भी धुला मतलब धुला के और फिर इनको विदाई करवा दिया जाएगा। इसके बाद फिर इनका इसका विदाई होगा, बट हम लोग भी निकलेंगे क्योंकि धूपा काफ़ी तेज है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में।